हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। गाइस, तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये मैं अभी खड़ा हुआ हूं लाल कुआं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया। आपको बता दूं कि जो वाहन इधर जा रहे हैं सीधे, वो जा रहे हैं बुलंदशहर अलीगढ़ के लिए। जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं गाजियाबाद के लिए और आपके दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए चला जाता है नीचे से, और ये ऊपर वाला भी दिल्ली के लिए जाता है, देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से देखिए, जो आ रहे हैं वाहन वो आ रहे हैं बुलंदशहर अलीगढ़ की साइड में से। और आपको बता दूं गाइस के ये जो वाहन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं मुरादाबाद की साइड से, यानी कि मेरठ की साइड से, और इधर जाएंगे ये दिल्ली की साइड में। गाइस, तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसा है, और दोपहर के बज रहे हैं एक, तो एक बजे की तस्वीर है यहाँ लाल कुआं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है। और यहाँ से निकलते हुए हम आज जा रहे हैं, आपको दिखाने वाले हैं चिपियाना बुजुर्ग। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जो गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो चिपियाना बुजुर्ग का रेलवे फाटक पर जो ब्रिज बनाया गया है वो दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये है ब्रिज, ये देखो ये ब्रिज बनाया गया है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता है, सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा जाम रहता है इस जगह पे। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, पर यह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि 16 लेन का बनाया गया है गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ये सामने है एबीएस कॉलेज, ये सामने एबीएस कॉलेज है, और ये आ जाता है आपका क्रॉसिंग, ये भी गाजियाबाद में ही आता है। और इसके बाद में जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वैसे ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं इस ब्रिज को दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें कितना कुछ काम रह गया है बाकी और कितना टाइम लग जाएगा, तो यही मैं डिटेल आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को ध्यान से देखना कि कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं उधर चल के गाइस। चलिए, तो ये है एबीएस कॉलेज देख सकते हैं, और ये है क्रॉसिंग, और यहाँ तक ये चिपियाना बुजुर्ग का जो रेलवे का जो ब्रिज बनाया गया है वो देख सकते हैं, ये स्टील का ब्रिज। तो चलते हैं वहीं पर और दिखाते हैं आपको तस्वीर हैं। और देखिए डाइवर्जन यहाँ से होता है, देखो ये चार लेन तो ये बंद पड़ी हैं, ठीक है, और इसकी तीन लेन ये जिस पर ये वाहन चल रहे हैं वो बंद पड़ी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आप चलते हैं आगे को ब्रिज के पास में, और फिर आपको दिखाते हैं तस्वीरें। तो बने रहिए केपी संत के साथ में, और ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पर चल के गाइस। ओके, तो बने रहिए केपी संत के साथ में। गाइस, आपको बता दूं, देख सकते हैं अभी यहाँ पर ब्लैक टॉप होना बाकी बचा है। और आपको बता दूं ये साइड में पैराफिट वॉल बनाने का भी इस पर काम चल रहा है, तो पैराफिट वॉल पर भी काम चल रहा है, और यहाँ पर इस पर ब्लैक टॉप किया जाना है, क्योंकि ये कंक्रीट की मदद से ये अभी भर दिया गया है, ऊपर से ये डाबर गिर दिया गया है। तो अभी ब्लैक टॉप इस पर होना है, क्योंकि पहले इस ब्रिज को कम्प्लीट किया जाएगा, उसके बाद में इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि पीछे तो बना हुआ है रोड और तो यहीं पर बाकी बचा हुआ था गाइस। दोस्तों, ब्रिज देख सकते हैं चिपियाना बुजुर्ग का, और इस पर फ्लोरिंग का काम कर दिया गया है। देखिए ये पानी डाल रहे हैं इस पर फ्लोरिंग पे, फ्लोरिंग कर दिया गया है। तो इनसे मेरी बात हुई है, तो ये अभी बता रहे हैं कि 2 महीने अभी लग जाएंगे इसको, 15 दिन तो इसको सेट होने में ही लगेगा। अभी तो इस पर ये साइड वॉल का भी काम होना है, देख सकते हैं ये साइड वॉल, इस पर भी अभी काम किया जाना बाकी है। ये देख सकते हैं ये साइड वॉल लगाई जाएंगी, अभी इस पर भी अभी काम क्लियर होगा, अभी ये भी भरे जाएंगे, फिर इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा। तो इधर तो हो रहा है, लेकिन इन्होंने पिछली वीडियो के मुताबिक इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया, तो इसमें अभी इतना प्रोसेसिंग है तो इसमें टाइम लगेगा अभी गाइस, 2 महीने और आपको वेट करना पड़ेगा। और 2 महीने के बाद में फिर इस पर आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, फिर जो जाम की मारामारी है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारा फ्लोरिंग कर दिया गया है, और फ्लोरिंग हो जाने के बाद में फिर इसको भी भर दिया जाएगा। तो अभी इस पर वर्क चल रहा है, देख सकते हैं इस पर इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किया जा रहा है तो इसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस पर ब्लैक टॉप होना है सारे पे, तो उसी चीज़ का ये लगा रहे हैं, देख सकते हैं ये तस्वीरें। तो यही था नज़ारा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को क्लियर किया जाए। और आपको बता दूँ, देखो इधर भी दिखा देते, इधर जा रही है हमारी रेलवे, ठीक है, इधर रेलवे है, देखिए ये रहा रेलवे का। तो मैं इधर को आपको इधर से दिखा देता हूँ क्लियर करके, क्योंकि अभी ये फुट ओवर ब्रिज बनेगा, देखिए अभी तो इस पर भी फ्लोरिंग किया जाएगा। और देख सकते हैं ये भारी भरकम है, क्योंकि ये अलग से लगाए गए हैं, इसमें अलग से ये लगाए गए हैं नट बोल्ट द्वारा, देखिए वो उस पर ये चारा, कि इस पर पैदल वालों के लिए, बाइक वालों के लिए, तो ये बनाया जाएगा। अभी इस पर भी साइड वॉल का काम किया जाएगा। ये एक बात बताऊँ, ये सब कुछ तोड़ दिया गया है नीचे से, देख सकते हैं पहले बहुत सारा आपको चमक रहा था, पिछली नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख लेना, देखो वो सारा तोड़ ताड़ के दोनों साइड में से फिर इसको क्लियर किया गया है। तो देख सकते हैं कि इसे रखने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, फिर इसको तोड़ा गया तो कितना वेस्टेज किया गया है माल को, देख सकते हैं कुछ ये है नज़ारे यहाँ के। और देखो कि कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। और ये आपको बता दूं कि 2100 टन का है ये, 2100 टन का है ये ब्रिज। और ये चिपियाना बुजुर्ग लाल कुआं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में बनाया जा रहा है, देख सकते हैं ये है, तो इस वजह से इसके बीच में कुछ नहीं आया था। तो यही है नज़ारा, देख सकते हैं अभी तो इस पर भी साइड वॉल का काम किया जाएगा, इस पर साइड वॉल होना बाकी है अभी, इन पर उधर तो हो गया है, तो इस पर भी अभी भरना बाकी रह गया है, ये भरा जाएगा, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर। तो अभी ये बन के जल्दी तैयार हो जाएगा, और तैयार हो जाएगा 2 महीने के भीतर भीतर। तो इस पर ब्लैक टॉप देखो, इस पर ये कंक्रीटिंग कर दी गई है, और कंक्रीट हो जाने के बाद में अभी 2 महीने का वक्त और लगेगा, और 2 महीने के बाद में बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर भी ये लगाया जाएगा इस तरीके का, जैसा कि उन्होंने वहाँ पर लगाया हुआ है वैसे यहाँ पर भी लगाया जाएगा, फिर इस पर ब्लैक टॉप हो जाएगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा बनके। तो देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा है, ये है सीन यहाँ का देखो। और इस पर ये देखिए कंक्रीटिंग की गई है, तो इस पर ये पानी डाल रहे हैं, और पानी डाल के ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और 2 महीने बाद इस पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। तो चलो आपको उधर का भी दिखाएं, ठीक है, बस यही नज़ारा था। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये 4 लेन का है, 1 2 3 4, ये 4 लेन का है, और साइडों से देखिए उसमें फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया है। तो यही नज़ारा अभी चल रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बन के कम्प्लीट हो जाएगा गाइस। ये बस यही था यहाँ का नज़ारा। तो चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं, देखिए इस पर कंक्रीटिंग हो चुकी है, और बाकी इस पर अब लेबलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यही था नज़ारा, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस। देखिए ये भरा जा रहा है, इसी तरीके से ये जोड़ा जाता है, देखो पूरा कुछ यही सीन है यहाँ का, ठीक है। अभी तो ये साइड बॉल का भी काम किया जाएगा, ये भी भरे जाएंगे साइड बॉल। और देखो ये मशीन है लगी हुई है, ये काटने वाले हैं सरिये जो काटे जाते हैं जोड़े जाते हैं, देखो कुछ ऐसा था ये पहले जब हम आए थे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तब ये कुछ भी नहीं था, जो सारा ये टूटा फाटा पड़ा हुआ था। और आपको साइड से भी दिखा देते हैं इधर का, ये है ABS कॉलेज। तो ये भी देखो 2 लाइन है, तो ये बंद कर रखी थी इन्होंने, तभी ये बिल्कुल टूट टाट जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये है नज़ारे यहाँ के सारे, ये हो जाएगा, ये है नज़ारा इस पुल का, ये सीन है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कर देना राय। देखो अब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो इस पर सेटरिंग लगी हुई है, अभी ये सेटरिंग भी खोली जाएगी नीचे से, देखो आपको दिखा दें, ये अभी सेटरिंग भी खोली जाएगी, अभी पानी भरा पड़ा है तो वो तोड़ दिया गया है इन्होंने,
देखो सारा कुछ इसका कंप्लीट सही हो गया है। अब ये इसमें जो चमकेगा वो एक महीने बाद काम चमकेगा क्लियर करके गाइस, ठीक है ना। तो इस पर देखिए ब्लैक टॉप होना है, इस पर साइड वॉल का काम होना है। तो बस यही थे नज़ारे यहाँ के आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है गाइस। ये देखो इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा अब जल्दी, और ब्लैक टॉप हो जाने के बाद में बस काम कंप्लीट हो जाएगा गाइस। देखिए आप लोग ये सारा हो जाएगा। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे, अभी तो उधर भी काम होना है बाकी, उस साइड में पूरा ये ब्लैक टॉप किया जाना है, तो जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा ये, ठीक है गाइस। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको उधर से पल्ली साइड में से दिखाते हैं आपको, अभी देख सकते हैं। देखिए ये वाहन आ रहे हैं, पहले ये भी बंद था, ये भी बंद कर रखा, तो इस पर देखिए ये साइड वॉल का काम किया जा रहा है, फ्लोरिंग हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। ये है पूरा नज़ारा, ठीक है। तो इस पर भी अभी ब्लैक टॉप होगा, बाकी रह गया है, तो ये जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएगा बनके, ठीक है ना। ये सारा इधर से ऐसा चला जाएगा इस तरीके से, ऐसा होता हुआ और ये निकल जाएगा हमारे मुरादाबाद के लिए और मेरठ के लिए गई, ठीक है। तो इस पर जल्दी ब्लैक टॉप हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा। इस पर डावर तो पड़ गया है और बाकी ये कम्प्लीट हो जाएगा जल्दी, देख सकते हैं कुछ ये है नज़ारा यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।